नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो है मतलब अभी 2 जनवरी 2020 है और दो दिन पहले ही जो 10वीं और 12वीं कक्षा है सीबीएसई की, उनकी एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल वो आ चुका है। जनरली फरवरी महीने में उनकी एग्ज़ाम होती है, पर इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जो है उनकी एग्ज़ाम जो है थोड़ी लेट शुरू हो रही है, जो मई महीने में शुरू हो रही है। तो उस एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो जारी हो, टाइम टेबल तो नहीं बोल सकते, उस एग्ज़ाम की जो एक जो अनाउंसमेंट है वो जारी हो चुकी है, की गई है सीबीएसई के माध्यम से। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और वो ऑफिशियल जो न्यूज़ लेटर है जिसके ज़रिए सीबीएसई ने घोषित किया है कि हम जो एक बोर्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं और इसी तारीख से शुरू होगी, तो वो कैसे देखना है आपको, अगर आप स्वयं देखना चाहे तो वो हम बताएंगे, और साथ ही वो जो पूरा न्यूज़ लेटर है वो हम समझेंगे कि उसमें क्या बातें की गई है। आप सबसे पहले तो गूगल वगैरह में आप जो है सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट है वो आप डाल सकते हैं। सीबीएसई की जो साइट है cbse.nic.in, उस साइट पर आपको जाना है। उस साइट पर जाने के बाद में आप जो है आपको ये क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट और क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट करके दिखेगा, उसमें से क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट पर जाना है। और लास्ट में आप जब जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल जब करेंगे तो रिसेंट अनाउंसमेंट में भी आपको दिखेगा कि नोटिफिकेशंस अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम 2021 और 31/12/2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री जी जो है डॉक्टर आर पी निशंक सर, उन्होंने घोषणा भी की थी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से वगैरह, और शायद क्या बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और वहाँ से भी या फिर इन फोकस ऑप्शन से भी आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। आप अगर इस नोटिफिकेशन के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं खुलेगा, यहाँ पे कुछ और ही खुल रहा है। खैर, आपको जो है आपको इंग्लिश या फिर हिंदी जिस भी भाषा में देखना है या पढ़ना है वो न्यूज़ लेटर, उस लैंग्वेज के नाम को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी खुलता है, और हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हिंदी ही खुलता है, तो करके हम इंग्लिश वाला सिलेक्ट किए। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया था करके, डू यू वांट टू डाउनलोड करके मुझे फिर से आया है, आपके इसमें डायरेक्ट खुल जाएगा। अब दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बातें लिखी है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के माध्यम से या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से 31/12/2020 यानी 31 दिसंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इस नोटिफिकेशन का नंबर है cbse/ce/2020। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है देखिए, जो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे पर वो कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि एज द सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स और टीचर्स एंड स्कूल इज अनप्रेसिडेंटेड, सीबीएसई इन ऑर्डर टू एंश्योर अ कंडक्टिव एनवायरमेंट टू द स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड कंसल्टेशन विच डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, सॉरी ये हाँ वही फिर से खुला है, जी नहीं ये अलग खुला है, सॉरी, तो स्टेक होल्डर्स हैज़ डिसाइडेड द फॉलोइंग एंड अकॉर्डिंगली नोटिफाइड दैट। तो क्या हुआ है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बोले जो स्कूल्स बराबर लगी नहीं है, टीचर्स वगैरह ने और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सीबीएसई को जो भी क्या बोलेंगे एग्जाम के बारे में जो भी फीडबैक वगैरह दिया था या भी जो सलाह वगैरह मांगी थी सीबीएसई के माध्यम से भी मांगी गई थी, उस सभी को ध्यान में रखने के बाद कुछ निम्न बातें बताई जाती है बोले, और ये है पहला तो पॉइंट है द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड 12th विल कमेंस फ्रॉम 4th of May 2021 ट्यूसडे, मंगलवार 4 मई 2021 को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड की एग्जाम है दोस्तों सीबीएसई की, वो शुरू होने वाली है 4 मई 2021 मंगलवार का दिन, बराबर ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है स्कूल्स विल बी अलाउड टू कंडक्ट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 12th फ्रॉम 1st March 2021 मंडे टू द लास्ट डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ थेरी एग्जामिनेशन ऑफ द सेम क्लास। मतलब कि जो स्कूल्स जो है वो जो उन प्रैक्टिकल एग्जाम होती है या फिर प्रोजेक्ट वगैरह प्रकल्प वगैरह होते हैं, इंटरनल होते हैं अंतरिम बोल क्या बोलेंगे उसको इंटरनल एग्जाम जो है अंतर्गत मूल्यमापन हम बोलते हैं मराठी हिंदी में, तो वो भी जो एग्ज़ाम है तो ये जो असेसमेंट है वो होगा कक्षा 10वीं या फिर या कक्षा 12वीं का बताया गया है। कक्षा 10वीं में भी वही चीज़ आई है फिर से, थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे तो वही चीज़ फिर से लिखी गई है लगभग सिमिलरली जोड़कर, इसी प्रकार जोड़कर। तो कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की जो इंटरनल एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या प्रोजेक्ट वगैरह असेसमेंट का जो भी है वो होने वाला है 1st March 2021 यानी 1 मई 2021 सोमवार से शुरू होगा, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 10वीं और 12वीं की ये जो
थेरी एग्जाम जो 4 मई 2021 मंगलवार से शुरू होगी, ये जब इसका जो आखिरी तारीख रहेगा खत्म, जो जब होगा आखिरी पेपर जिस दिन रहेगा उस तारीख तक, उस पर्टिकुलर स्कूल के आखिरी पेपर तक के समय तक ये इंटरनल एग्जाम स्कूल्स ले सकती है। थेरी के आखिरी पेपर तक आप 1 मार्च 2021 से तो ये इंटरनल शुरू होगी और 4 मई 2021 से थेरी की जो रिटर्न एग्जाम होती है वो शुरू होगी, और वो फिर वो खत्म जिस दिन रहेगा, लास्ट पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन तक स्कूल चाहे तो इंटरनल एग्जाम्स कंटिन्यू कर सकती है, हालांकि उतना खींचा नहीं जाएगा मेरा अनुमान है। तीसरे पॉइंट में वही चीज़ है, बस वही चीज़ कक्षा 10वीं के लिए लिखी गई है, हम फिर उससे फिर से नहीं पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है डेट शीट ऑफ बोथ क्लास 10 एंड 12 विल बी इशूड सून, जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम की जो शुरुआत की तिथि है वो तो बता दी गई है, पर जब पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर वाइज जो टाइम टेबल है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स रहते हैं पूरे भारत भर में, बहुत सारे विषय रहते हैं अलग अलग सब स्कूल्स में, तो पूरा का पूरा जो डेट शीट है वो डेट शीट आप जो है वो जल्द ही इशू कर दी जाएगी, जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और फिर यहाँ बोला है कि आपको स्पेशली बताया भी दिया गया है कि CBSE विल ऑल्सो इन्फॉर्म ऑल द स्टेक होल्डर्स अबाउट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर जो भी जानकारी है CBSE के माध्यम से एग्जाम वगैरह के बारे में जो भी है वो बता दी जाएगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन है CBSE की वेबसाइट पर ही बताई जाएगी। साथ में ये भी बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सोशल मीडिया शुड नॉट बी ट्रीटेड एज करेक्ट इफ नॉट अवेलेबल ऑन बोर्ड वेबसाइट, हालांकि जो CBSE का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे, या जैसे कि मंत्री वगैरह जो रहते हैं, जो शिक्षा मंत्री वगैरह है, वो जो भी ट्वीट्स वगैरह करते हैं वो आधिकारिक माने जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पे एक क्या बोलेंगे आगाह करने के लिए या एक वार्निंग के तौर पर बता दिया गया है कि जो भी जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना दी गई हो, पर वो ठीक है, वो सही होती है, बात सही है, पर वो तब तक उसको एक्यूरेट या तब तक उसको एक ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वो वेबसाइट पर ना जाए। तो वेबसाइट पर एक बार जब अपलोड हो गई कि फिर आप उसको जो है उसको आधिकारिक रूप से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कंट्रोल है या नियंत्रक जो है डॉक्टर संयम भारद्वाज सर, उनके सही के साथ, उनके ऑफिशियल हस्ताक्षर के साथ ये अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो इधर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में नहीं पढ़ के बताता क्योंकि वही चीज़ें मैं ऑलरेडी इंग्लिश में जब पढ़ दिया था आपको हिंदी में समझा चुका हूँ। तो दोस्तों ये है कुल 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल। अब राज्य जो है वो अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में जो फिर 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम तो लेंगे ही, खैर तो वो कब से लेते हैं वो अब देखने वाली बात होगी, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है जनरली CBSE के एग्ज़ाम के बाद ही स्टेट्स की एग्ज़ाम होती है, स्टेट बोर्ड्स की एग्ज़ाम होती है, तो हो सकता है कि वो फिर इससे भी लेट शुरू हो, पर हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, पर अब तक का रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा मेरा अनुमान है। पर CBSE ने तो आधिकारिक तौर पर जो है 1 मार्च 2021 से जो इंटरनल आंतरिक एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट एग्ज़ाम या इंटरनल के बारे में या प्रैक्टिकल के बारे में बता चुकी है कि शुरू होगी, और बोर्ड एग्ज़ाम जो है, जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो शुरू होगी 4 मई 2021 मंगलवार से, और ये जो बात है ये साफ कर चुकी है, ये जारी कर चुकी है CBSE। तो धन्यवाद दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के लिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा अधिसूचना वगैरह पूरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझा है तो हम पूरी जो भी सूचनाएँ आएगी CBSE के माध्यम से या आगे CTET वगैरह की भी जो एग्ज़ाम है, MPK में भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होती है, जो भी एजुकेशन हमारा जो चैनल जनरली चलते रहता है कि इंग्लिश के माध्यम, इंग्लिश की जो वीडियो है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह की वीडियो हो गई, या फिर ये जो करियर गाइडेंस है ये, और फिलहाल जो तो KBC चल रहा है तो 22 जनवरी तक जो KBC का सीजन है तो KBC प्ले अलोंग की वीडियो जो है वो हम दे रहे हैं, पर ये जो हमारी वीडियोस थी जो पिछले पूरे साल भर चलती रही और इस वक्त हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था, तो ये अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपको ये अभी जो करियर गाइडेंस या जो भी एग्ज़ाम वगैरह की जो भी डिटेल्स है या इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको ये चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।